तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे गैरतगंज में एक भजन संध्या ऑर्गेनाइज की है जिसमें 13 साल की एक छोटी सी बालिका और उनके पिताजी आए हैं, जिनको हमने हमारे गैरतगंज वासियों ने बुलाया है। तो कार्यक्रम 6 बजे शुरू होने वाला है और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो अपन चलते हैं और आपको भजन, अच्छे अच्छे भजन सुनवाते हैं, मैं भी सुनूंगा ताकि मेरे में थोड़ी बुद्धि आए और आप में भी आ सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए चलते हैं, मैंने टाइम वेस्ट करें। तो गाइस फिलहाल निकल चुके हैं एंड अभी हम रास्ते में हैं, तो चलते हैं धीमे धीमे। चलिए, 1 hour later। तो गाइस इवेंट चालू हो चुका है और हम हो चुके हैं लेट क्योंकि हमारे कैमरामैन साहब और हमारे भाई साहब थोड़े काम आ चुका था, तो हो चुके हैं लेट। तो अब चलते हैं, सामने कार्यक्रम हो रहा है, आइए दिखाते हैं आपको दूर से। तो देख सकते हो सामने कार्यक्रम हो रहा है, चलते हैं जल्दी। चलिए भाई, लेट ना हो जाए, वैसे तो लेट कर चुका हूं। अच्छा, तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ब्लॉक मैदान में जहां पर कार्यक्रम चालू है और अभी हम बाहर हैं हम सभी लोग। और ये देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी की है यहाँ पे। अभी हमारी गायिका स्टेज पर है, हम पास से आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी और माहौल बहुत अच्छा है, काफी अच्छा क्राउड आया है यहाँ पे। इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं आहना कृष्ण पाठक, उसके साथ हैं उसकी ही छोटी बहन सुदीक्षा पाठक और उसके साथ में उसकी एक और छोटी बहन है श्लोका पाठक। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आज के हम इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे कलाकारों का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच तीनों दो बिटिया के पिताश्री आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल पाठक जी भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम जोरदार तालियां बजाकर गैरतगंज नगर की इस धरती पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल माता कौशल्या प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती है, श्री हरि से प्रार्थना करती है कि प्रभु मैंने आपका चतुर्भुज रूप देख लिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं सुनकर उनके मन की इन लोगों का कहना है पूरा दरबार साफ सुन हो जाता है, समाज ऐसा ही होता है। Oh,
पीछे चल रहा है भजन संध्या और हम लोगों का हो चुका है टाइम, अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि घर से कॉल आने लगे हैं। तो बहुत अच्छी अमेजिंग नाइट रही और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, खास करके जो अभी रिसेंटली जो उसने भजन गाया था बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी 13 साल की उम्र में है लेकिन आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं जो भी जिन्होंने यहाँ पे अटेंड किया है सेशन, तो आप बताना कैसी आवाज़ है। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।